वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स तो आज हम लेकर आए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की यूनिट वन देखो इसमें बेसिकली इस सब्जेक्ट में आपके जब मैंने सिलेबस देखा तो यू हैव एट डिफरेंट चैप्टर्स ठीक तो आज हम चैप्टर वन पढ़ाएंगे मैं सोचू चैप्टर वाइज वीडियो बना दूँ लंबा हो छोटा हो डजन मैटर्स प्रैक्टिकल हो उसी में डाल दूँ बहुत जितने भी इंपॉर्टेंट हो, हों फॉमुला वगैरह एंड चैप्टर वाइज एट वीडियोज़ में समअप करूँ बिकॉज आई हैव प्रोमिस्ड कि मुझे जनवरी या फिर फेब की फर्स्ट सेकेंड वीक तक सिलेबस कम्प्लीट करना है तो चैप्टर वन हम पढ़ेंगे इस वीडियो में टू के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लो स्टेट ट्यून्ड तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर वन से चैप्टर वन इज ऑल अबाउट फाइनेंस बिजनेस फाइनेंसिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्राइटेरियाज नेचर स्कोप सिग्निफिकेंस एंड ऑल ठीक है व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस फाइनेंस व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस देखो फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस बैकबोन कह लो लाइफ ब्लड कह लो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उसके बिना ना कुछ शुरू होगा और ना ही कुछ खत्म होगा कंपनी की शुरुआत करने से लेकर कंपनी बेचने तक सिर्फ पैसा मैटर करता है ठीक है तो फाइनेंस इज बेसिकली द लाइफ ब्लड और द बैक बोन ऑफ बिजनेस एंड वेन टू टॉक अबाउट फाइनेंस वो पैसा नहीं है फाइनेंस और मनी बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं फाइनेंस इज नोन एज द प्रोक्यूरमेंट ऑफ रिसोर्सेज कोई भी रिसोर्स चाहे वो असट हो लेबर हो या फिर मशीनरी हो या फिर कुछ खरीदना हो इन्वेस्टमेंट करना हो जितने भी रिसोर्स किसी भी बिजनेस में लगते हैं उसको प्रोक्योर करने के लिए या फिर उसको संभालने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसे हम फाइनेंस या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं ठीक है एनी काइंड ऑफ रिसोर्स अब फाइनेंस या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ पैसे तक नहीं है स्ट्रेटेजीज़ बनाना फाइनेंशियल इन्वामेंट देखना इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसियल डिसीजन हर एक डिसीजन को लेकर फाइनेंस एक ब्रॉड टर्म ठीक है क्योंकि वो बैकबोन है बिजनेस की तो जब हम बात करेंगे कि वॉट आर द नेचर वट इज द नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस तो देखो बिजनेस फाइनेंस सारे टाइप के फंड्स को इन्वॉल्व करता है इक्विटी है डेट है बोरोड है ओन्ड है एनी काइंड ऑफ फंड इट इन्वॉल्व ऑल दी फंड्स ठीक है सबको देख सबकी देख रेख करनी पड़ती है देन किसी भी टाइम पे और टाइम के अकॉर्डिंग ना उसकी रिक्वायरमेंट वैरी करती है कभी ज्यादा कभी कम ठीक है बिजनेस के साइज़ और नेचर पे भी फाइनेंस की मैनेजमेंट है फिर फाइनेंस डिपेंड करता है एमएनसी है तो ऑब्वियसली बात है बहुत कॉम्प्लेक्स होगी उसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बहुत ज़्यादा पैसा लग भी रहा होगा स्मॉल बिजनेस है तो वो मैनेजेबल होगी सिंपल टू अंडरस्टैंड होगी ठीक है एंड फॉर एग्जाम्पल लाइक टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट वैरी करती है हमेशा रिक्वायरमेंट को इस्टीमेट किया जाता है कि मतलब कितनी लग सकती है इस्टीमेशन यूज होते हैं ठीक है एंड इट इज़ कंटिन्यूअसली रिक्वायर्ड मैंने अभी आपको खुद ही बताया कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक शुरू करने से लेके बेचने तक वी नीड फाइनेंस वी नीड इट्स मैनेजमेंट ठीक है तो इट इज़ इट हैज़ कंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट अब बात करेंगे सिग्निफिकेंस की कि बिजनेस फाइनेंस का सिग्निफिकेंस कहाँ कहाँ है जब सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो लाइक like, आपको कोई भी रिसोर्स अक्वायर करना हो कोई भी असेट कुछ भी अक्वायर करना हो यू नीड फाइनेंस सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस है वो है अक्वायर करने के लिए अक्वायरिंग रिसोर्सेज या फिर अक्वायरिंग असेट्स रॉ मटेरियल्स लेबर्स हायरिंग लेबर्स गुड्स वर्कफोर्स कुछ भी हायर करना हो कुछ भी अक्वायर करना हो ठीक है कैपिटल के डिसीजन लेने में कैपिटल की स्ट्रक्चरिंग बजटिंग हर चीज़ में फाइनेंस इंपॉर्टेंट है और हर चीज़ में उसका सिग्निफिकेंस है सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस होता है ठीक है वेन टू डाउट ऑब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिवस क्या क्या होते हैं फाइनेंस के बट ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना फर्म की वैल्यूएशन को अच्छा करना ठीक है एफिशिएंट करना रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड बट ऑबियसली प्रोक्योरमेंट ऑफ असर्स या फिर रिसोर्सेज ठीक है वेन टू टॉक अबाउट द स्कोप ओके द स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस जस्ट अ सैकेंड हाँ वेन टू टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस लेट्स मूव टू दी हेडिंग्स पहली हेडिंग जो है स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस में वो हमारे पास है एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बट ऑब्वियसली कंपनी को क्या चाहिए कितना चाहिए कब चाहिए उसको एस्टिमेट करने में फाइनेंस फंक्शन का फाइनेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर फाइनेंस का स्कोप होता है अच्छा हाँ वन थिंग मोर फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर बिजनेस फाइनेंस को हम लोग फाइनेंस फंक्शन भी बोलते हैं कॉर्पोरेशन फंक्शन भी बोलते हैं सो डू रिमेंबर दिस अगर आप जैसे क्वेश्चन में पूछ ले या इन एग्ज़ाम या इन टेस्ट एनी थिंग कि फाइनेंस बिजनेस फाइनेंस की बजाय फाइनेंस फंक्शन लिख दे तो कन्फ्यूज मत होना फाइनेंस फंक्शन बोले कोई स्पेसिफिकली हाँ, पूछ रहा है कि फाइनेंस के फंक्शन क्या क्या होते हैं तो बात अलग है बट अगर स्पेसिफिकली पूछ रहा है व्हाट इज फाइनेंस फंक्शन तो वहां पर तीन फंक्शन लिख के मत आना बिजनेस फाइनेंस लिख कर आना ठीक है क्योंकि बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंस फंक्शन कॉर्पोरेशन फंक्शन एक ही चीज है ठीक नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी है स्कोप में वो है हमारे पास डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर बट ऑब्वियसली कितना इक्विटी होगा कितना डेट होगा कितना लेंगे उधार कितना खुद का लगाएंगे ये सारा स्ट्रक्चर डिसाइड करना फिर फाइनेंसिंग के सोर्सेज डिसाइड करना कि भाई फंड कहाँ से लेंगे सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट या फिर वेंचर कैपिटल एंजल इन्वेस्टर कहाँ से क्या लेंगे ठीक है इन्वेस्टमेंट का पैटर्न सेलेक्ट करना कि मंथली करेंगे इन्वेस्टमेंट या फिर ईयरली या फिर क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली पैटर्न सेलेक्ट करना प्रॉपर कैश की मैनेजमेंट जितने भी सरप्लस हैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उसका प्रॉपर यूजेज प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन और जो भी आपके फाइनेंशियल कंट्रोल्स स्ट्रैटेजी आप बना रहे हैं उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इन सारी की सारी चीज़ों में फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर बिजनेस फाइनेंस का स्कोप है ठीक है तो नेक्स्ट हाइडिंग विच हैव इज फंक्शंस ऑफ सी एफ ओ जब हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को मैनेज करने की बात करते हैं किसी भी कंपनी की ऑर्गेनाइज करने की बात करते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक टीम होती है जो एक बंदा हायर करती है या बंदी हायर करती है जैसे हम बोलते हैं चीफ फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव या फिर ऑफिसर ठीक है सी एफ ओ या फिर सी एफ ई एनी थिंग से उसका ना बेसिक जो फंक्शन होता है दो उसके बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं पहले को हमने नाम दिया है ट्रेजरर दूसरे को कंट्रोलर ट्रेजरर क्यों जैसे ट्रेजर का मतलब क्या होता है खजाना ट्रेजरर कौन का जो खजाने की रखवाली करेगा ठीक है कब खर्च करना कहाँ करना कैसे करना आना जाना एवरीथिंग ठीक एंड कंट्रोलर यू नो कि कंट्रोल करना क्या होता है ठीक है तो जब सी एफ ओ को हम एज अ ट्रेजरर देखते हैं तो उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसका जो बेसिक फंक्शन होता है लाइक like कैपिटल की बजटिंग क्या कैसे करनी है ठीक है एंड जब वो एज अ ट्रेजरर होता है तो कैश की मैनेजमेंट क्रेडिट की मैनेजमेंट कितना क्रेडिट बेसिस पे काम होगा कितना कैश बेसिस पे काम होगा एंड कैपिटल्स uh, में क्या है डिविडेंड पॉलिसीज़ कैसी हैं क्या है ये हर चीज़ वो मैनेज करेगा जो तिजोरी में से निकल के जाना है या जो तिजोरी में आना है वो कैसे जाएगा कैसे आएगा ये सारी चीज़ें वो एज अ ट्रेजरर रोल अपना निभाता है ठीक है अब नाउ यू डिसाइड कि वो क्या क्या पॉइंट्स आप उसमें लिख सकते हो ठीक है ये चीज़ याद रखोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कैश हो गया मैनेजमेंट क्रेडिट मैनेजमेंट हो गया डिविडें पॉलिसीज हो गई कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया ठीक है एवरीथिंग दैन वी हैव रोल एज कंट्रोलर तो कंट्रोल कैसे करेगा लाइक like, देखो कंपनी में अकाउंट्स का डिपार्टमेंट होता है फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग होता है क्यों क्योंकि इन्वेस्टिंग एंड फंडिंग इन सबसे रिलेटेड होता है और अकाउंट्स का डिपार्टमेंट अलग होता है अकाउंट्स और फाइनेंस एक नहीं है ये मत समझना ठीक है अकाउंट्स इज अ रिकॉर्ड कीपिंग डिपार्टमेंट ठीक है एंड फाइनेंस इज अ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ठीक तो जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड्स बनाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए लेटर्स uh, जनरल्स जो भी बनाए उसका क्या करेगा इंसान वो क्यों बनाए जब हम लास्ट में पढ़ते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टू डिसाइड दि पोजीशन और टू सी द पोजीशन ऑफ कंपनी प्रॉफिट वगैरह वगैरह और रिकॉर्ड्स देख के सब कुछ मैनेज uh, करना या फिर मैनेजमेंट डिसीजन लेना तो उस रिकॉर्ड्स के बेसिस पे जो इंसान मैनेजमेंट डिसीजन लेता है किसी कंपनी में वो सी होता है तो द रोल ऑफ सी एफ एज कंट्रोलर इज़ टू एग्जामिन एंड मेनटेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर मेकिंग बेटर फाइनेंशियल स्ट्रैटीज ठीक है अब आई थिंक हाँ नेक्स्ट वी हैव फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझने के लिए तुम इन दोनों को तोड़ो फाइनेंस फाइनेंशियल क्या होता है और मैनेजमेंट क्या होता है देखो फाइनेंस या फिर फाइनेंशियल uh, या फिर फाइनेंस एक ऐसा प्रॉपर uh, सिस्टम या स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू हम किसी भी बिजनेस में जो भी रिसोर्सेज लगते हैं एनी ऑफ द रिसोर्सेज हम उन्हें प्रोक्योर करते हैं उनका असेसमेंट करते हैं ठीक है मैनेजमेंट क्या होता है प्लानिंग कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड डायरेक्टिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ फंक्शन ठीक है कोई भी फंक्शन हो सकता है किसी बिजनेस का या कुछ भी बिजनेस में बर्थडे पार्टी क्यों ना हम मैनेज करते हैं तो उसका मैनेज का मतलब मैनेज का मतलब ये पांच फंक्शन होते हैं प्लानिंग कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेटिंग डायरेक्टिंग वगैरह ठीक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या हुई द मैनेजमेंट या फिर द प्लानिंग कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड डायरेक्टिंग ऑफ ऑल द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ अ कंपनी इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक है अब उसके बाद हमारे पास देखो सिंपल सी है कि कुछ अप्रोचेस हैं अप्रोचेस बोलो या फिर स्कूल ऑफ थाट बोलो जैसे याद है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था कि अप्रोचेज टू ह्यूमन रिसोर्सेज या फिर अप्रोचेस टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ठीक है क्या क्या अप्रोचेज हमने स्कूल्स पढ़े थे ना ह्यूमनिस्टिक अप्रोच साइंटिफिक अप्रोच सेम यहाँ पे है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखने का अप्रोच दो अप्रोच है हमारे पास ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थाट बोलो या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच बोलो मॉडर्न स्कूल ऑफ थाट बोलो या फिर मॉडर्न अप्रोच बोलो okay. चीज़ ध्यान रखना इस अप्रोच की बात मैं बिज़नेस के रेफरेंस में नहीं कर रही हूँ बिज़नेस के फाइनेंस के रेफरेंस में कर रही हूँ पुराना तो अप्रोच ये कहता था कि सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना ही बिजनेस या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन अप्रोच है ठीक है ये याद रखना मैं बिज़नेस के रेफरेंस में बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रेफरेंस में बात कर रही हूँ जो हमारे पास पुराना अप्रोच था वो ये कहता था कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना बड़े हैवी डिसीजंस लेना लाइक इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी क्या करनी है डेली काम छोड़ के जो इम्पोर्टेंट काम है सिर्फ़ और सिर्फ वही आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऐसा हमारा ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ़ थाट कहता था लेकिन जो मॉडर्न स्कूल ऑफ थाट है वो ये कहता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं प्रॉपर होलिस्टिक डेवलपमेंट इसका काम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अब इसने क्या किया है कि चार फंक्शंस डेराइव किए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट ने कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक छोटा सा या फिर मेजर इन्वेस्टमेंट डिसीजन का काम नहीं है उसमें सारे काम आते हैं बड़े से लेकर छोटे तक क्योंकि वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो इसने जो चार फंक्शंस ड्राइव किए हैं वो फंक्शंस हैं इन्वेस्टिंग डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन एंड लिक्विडिटी डिसीजन ओह माई गॉड ओके जस्ट अ सेकेंड डी आई टी वाई ठीक है लिक्विडिटी डिसीजन अब सिंपल जल्दी जल्दी समझते हैं इन्वेस्टिंग डिसीजन में क्या होगा बट ऑबियसली आप खुद सोचिए इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म असेट्स शॉर्ट टर्म अट्स ठीक है कि हम इन असेट्स में कैसे कहाँ कब इन्वेस्ट करें ताकि इनको अक्वायर कर सकें एक चीज ध्यान रखना जो लॉन्ग टर्म असेट्स होते हैं वो हमारे ना कैपिटल बजटिंग में आते हैं क्योंकि वो वन प्लस ईयर के होते हैं तो कैपिटल बजटिंग की मैनेजमेंट इन्वेस्टिंग डिसीजन में आएगी ठीक है नोट्स का लिंक है डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर नोट्स अच्छे से पढ़ लेना ध्यान से जब हम लॉन्ग टर्म असरस को अक्वायर करेंगे या खरीदना चाहेंगे या उनको फ्यूचर में खरीदना है या अभी खरीदना है या कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वो हमारा कैपिटल बजटिंग मैनेजमेंट होता है ठीक है या फिर कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है ठीक शॉर्ट टर्म की बात करी मैंने दो ही तो असर होते हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जब शॉर्ट टर्म की बात करी तो वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होती है क्यों क्योंकि शॉर्ट टर्म क्या होता है तीन महीना या एक साल से कम छः महीना सात महीना आठ महीना तो वो वर्किंग कैपिटल होता है हमारा जब हम शॉर्ट टर्म असर्ट्स को मैनेज करते हैं प्रोक्योर करते हैं हैंट करते हैं इन्वेस्टिंग डिसीजन में तो वो हमारा एक पार्ट होता है इन्वेस्टिंग डिसीजन का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट उसके अंदर आ जाता है ठीक है फिर से समझ लो जैसे क्विक समरी इन्वेस्टिंग डिसीजन में दो चीजें होती हैं लॉन्ग टर्म असर्ट्स शॉर्ट टर्म असर्ट्स को अक्वायर करना उनकी मैनेजमेंट वगैरह वगैरह लॉन्ग टर्म असेट्स वन प्लस ईयर के होते हैं इसलिए हम उसको किस सेक्शन में डालते हैं कैपिटल बजटिंग मैनेजमेंट में शॉर्ट टर्म अट्स क्या होते हैं लेस देन वन ईयर के थ्री मंथ सिक्स मंथ एट मंथ नाइन मंथ एनीथिंग इसलिए हम उसको क्या करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में डालते हैं ठीक है फाइनेंसिंग डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन का देखो बेसिक मतलब क्या होता है ना कि हम कैपिटल uh, बजटिंग कैसे करेंगे ठीक है असेट्स की बात अलग हो गई ठीक हम यहां पे कह रहे हैं कैपिटल बजटिंग कैपिटल बजटिंग मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर कि हम कितना ओन करेंगे कितना बोरो करेंगे कितना खुद का लगेगा कितना किसी और का लगेगा कितना हम डिविडेंट में देंगे कितना हम प्रेफरेंस शेयर बनाएंगे कितना हम इक्विटी में रखेंगे ठीक है तो फंड का डिस्क्रिप्शन डिविजन और उनका जो कैटेगराइजेशन है और वो सारे डिसीजन हम कहाँ लेते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन में हम कहाँ कौन से सोर्स से लेंगे किस से लेंगे कितना लेंगे कितना खुद का लगाएंगे वगैरह वगैरह ये क्या होगा फाइनेंसिंग डिसीजन फिर हमारे पास डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन देखो डिविडेंट पॉलिसी क्या होती है सॉरी डिविडेंट पॉलिसी क्या होती है uh, हम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको जो प्रॉफिट हुआ होता है या फिर जो हमने प्रॉमिस किया होता है या जो जिसके लिए हम जवाबदेह होते हैं उतना पैसा रिटर्न करते हैं दैट इज़ इन डिविडेंट पॉलिसी चाहे प्रिफरेंट शेयर हो चाहे आई थिंक इक्विटी हो चाहे इतना हम कह सकते हैं कि बोरोड फंड्स हो कुछ भी हो ठीक तो हम अब स्टेक होल्डर्स को उनका पैसा रिटर्न देते हैं विच इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो हमें देनी होती है तो डिविडेंड पॉलिसी में ये देखना होता है बेसिकली इस फंक्शन में कि जितना प्रॉफिट आया है उसमें से कितना हमें देना है कितना रखना है कितना आगे के लिए इन्वेस्ट करना है और कितना हमें बचा के प्रॉफिट अपने मतलब सेविंग सेक्शन में या फिर रिटर्न अर्निंग सेक्शन में रखना ठीक है अब बेसिकली क्या होता है जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं जो डिविडेंट या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनको तो देना ही देना है वो कंपल्सरी है हम उसे तो पीछे चाहे हमें लॉस हुआ चाहे प्रॉफिट हुआ लेकिन जब उनको देने के बाद भी एक्स्ट्रा बचता है तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं मतलब जो इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली कंपनी के ओनर्स में आते हैं अपने शेयर्स की वजह से तो अब उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट में से उनको कितना देना है और कितना बचा के इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है बेसिकली इस डिसीजन को लेने के लिए जो फंक्शन होता उसे है उसे बोलते हैं डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन मेकिंग फंक्शन ठीक है तो लिक्विडिटी लिक्विडिटी डिसीजन में हम क्या करते हैं इट इज़ वेरी सिमिलर टू वर्किंग कैपिटल डिसीजन डे टू डे जो एक्टिविटीज होती हैं उनकी लिक्विडिटी को मेंटेन करते हैं ये अश्योर करने के लिए कि कंपनी ने जो भी कमिटमेंट करी है वो फुलफिल हो जाएगी अब तुम खुद सोचो तुम्हारे बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन अगर अच्छे चल रहे हैं तुमने स्टेक होल्डर्स को जो कमिटमेंट दी है कि हम इतना पैसा देंगे इतना तो रिटर्न देंगे वगैरह वगैरह वो अश्योर हो जाएगी कि हाँ भाई तुम दे पाओगे क्योंकि जब तुम्हारा रेगुलर फ्लो अच्छा चल रहा है तो तुम्हारा एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट भी अच्छा ही होगा ठीक है सो मूविंग ऑन टू दी ऑब्जेक्टिव्स तो अगेन देर आर टू ऑब्जेक्टिवस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वेल्थ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सेम चीज़ यहाँ पढ़ी थी बट यहाँ पे हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रेफरेंस में पढ़ी थी यहाँ हम बिजनेस के रेफरेंस में पढ़ेंगे ठीक है तो जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे तो पहले क्या था ना ये ट्रेडिशनल है थ्योरी है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की सुना होगा आप लोगों ने कि थ्योरी ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मैंने लास्ट में पढ़ाई भी है सेमेस्टर टू में शायद हाँ ट्रेडिशनल थ्योरी है जो कहती है कि किसी बिजनेस का सोल ऑब्जेक्टिव क्या है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना हाँ है मैम ये मना नहीं कर रही भाई प्रॉफिट की वजह से ही लोग बिजनेस शुरू करते हैं प्रॉफिट के फेवर में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं कि भाई कंपनी की पोजीशन बताता है कितना प्रॉफिटेबल है कंपनी उसमें इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ाता है एंड डे टू डे ऑपरेशन मैनेज करने में बहुत ईजीनेस बहुत मतलब ईजीली हो जाता है सिंपल होता है एंड ज़्यादा प्रॉफिट कॉम्पिटिशन बढ़ाता है कंपनी की पोजिशन ऊपर करता है एंड वगैरह वगैरह कंपनी को ट्रस्ट बनाता है प्रॉफिट मैक्माइजेशन के फेवर में बहुत सारे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि सही हैं लेकिन जब लिमिटेशन की बात करेंगे तो जो लिमिटेशन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की वो ये है कि टाइम वैल्यू ऑफ़ मनी को इग्नोर करता है अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है ये नेक्स्ट चैप्टर में पूरा चैप्टर ही इसी पे है तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और ये आगे पढ़ाऊंगी मैं ठीक है अब जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उसको भी इग्नोर करता है ठीक है इस वजह से ये जो इसकी लिमिटेशन है वो बहुत बड़ी लिमिटेशन आज के टाइम में बन रही है क्योंकि आज के टाइम में हर बिजनेस एक कॉम्प्लेक्स और बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है ठीक है जिसको संभालना सिर्फ प्रॉफिट से नहीं हो पाएगा क्योंकि सोशल वेलफेयर वगैरह वे कई बार इंपैक्ट करता है प्रॉफिट क्योंकि कई बार प्रोडक्ट सर्विसेज ऐसी होती हैं जिन पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दाम या फिर उनकी क्वालिटी बहुत कम होती है तो भाई आज के टाइम में कस्टमर आ जाए उसे सब कुछ पता है तो आज के टाइम में बिजनेस का सर्वाइवल इतना इतना पॉसिबल नहीं है अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस करेंगे वैल्यू या फिर क्वालिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे ठीक है अब इसी को देखते हुए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बनाया गया है बिजनेस का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ना एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करता है जो तीन जो सबसे बड़े लिमिटेशंस हैं प्रॉफिट के कि वो टाइम वैल्यू ऑफ़ मनी इग्नोर करता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर करता है और थर्ड जो है कि सोशल वेलफेयर वगैरह इम्पैक्ट करता है सोशल वेलबींग well और जो सोशल गुडविल है उसे इम्पैक्ट कर देता है वो तीनों केटर करता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्योंकि जब आप कंपनी की होलिस्टिक डेवलपमेंट करेंगे तो बट ऑब्वियसली आप टाइम वैल्यू ऑफ़ मनी को भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि रखना ही पड़ेगा अगर अपने शेयर होल्डर्स को स्टेक होल्डर्स को खुश रखना है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा अब उनसे कह दो कि हम आपको दस साल तक पांच ही रिटर्न देंगे क्यों मानेंगे वो भाई दस साल बाद तो पांच की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी ना मान लो पांच आज उनका पचास लाख होता है दस साल बाद आप उन्हें पचास लाख दोगे तो क्या आज जो अवीन पचास लाख में मिल रहा है दस साल बाद पचास लाख में मिलेगी नहीं मिलेगी ना तो जब पूरी मार्केट में इन्फ्लेशन होगा तो आप उनके रिटर्न पे कोई इंटरेस्ट बढ़ाओगे नहीं तो वो फिर क्यों आपको क्यों तवज्जो देंगे तो दिस इज़ वट टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट एक्चुअली बेस्ड अपॉन अच्छे से पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर लो बिकॉज वीडियो टू चैप्टर टू इसी का ठीक है तो ये सारी जो लिमिटेशन प्रॉफिट मैग्जिमेसन में आती हैं वो वेल्थ मैगजिमाइन में नहीं आती हैं वो कैटर करता है हाँ थोड़ी बहुत लिमिटेशन आती हैं ऐसा नहीं है क्योंकि भाई देखो वेल्थ भी हम मैग्जीमाइज स्टुएशन के बेस पर एजम्पन्स के बेस पर ही करेंगे ना तो कभी वो इनकरेक्ट भी हो जाता है तो कभी कहार बहुत लॉसेज भी फेस करने पड़ते हैं बट ऑबियसली बट वेन टू टॉक अबाउट की प्रॉफिट मैग्जिमाइजेशन या फिर वेल्थ मैगजिमाइजेशन सुपीरियर कौन है तो ऑलवेज डू नोट इट डाउन कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज सुपीरियर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्यों कुछ रीजन सुनो क्योंकि जो प्रॉफिट फ्यूचर में होने वाला है वो अज्यूम्ड प्रॉफिट है और जो चीज़ हम अज्यूम कर रहे हैं जो हमें अभी तक मिली ही नहीं है हम उसको बढ़ाने के लिए काम कैसे कर सकते हैं पहले रीज़न तो ये दूसरा रीज़न कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर करता है आज के टाइम में दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं ठीक है जो आपके इंप्लाईज़ हैं उनको अपनी इज्जत चाहिए रिकग्निशन चाहिए और जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको प्रॉपर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए वरना वो बार बार छोड़ के जाएंगे जब इन्वेस्टर्स बार बार छोड़ के जाएंगे बार बार नए ढूंढोगे नए ढूंढोगे उनके नए रूल्स होंगे नए कायदे होंगे ठीक है तो दैट विल बी अ क्योटेक प्रोसेस ठीक अब तीसरा रीजन क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में सोशल वेलफेयर कई बार इम्पैक्ट होता है वेल्थ में ऐसा नहीं होता बेसिकली नहीं होता इम्पैक्ट तो होगा ही होगा भाई बिजनेस कर रहे हो तो क्या समाज सेवा और बिजनेस में बहुत अंतर होता है ठीक है एंड इन्हीं तीन मेन मेजर रीजन की वजह से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज ऑलवेज सुपीरियर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नाउ वी हैव सिग्निफिकेंस एंड फंक्शनल एरियाज देखो फंक्शनल एरियाज क्या मैंने आपको क्या बताया अकाउंट्स डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट एवरी डिपार्टमेंट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन दी फाइनेंस डिपार्टमेंट क्योंकि वहाँ से पैसा आएगा तभी तो, तो आगे कुछ काम जाएगा है ना तो फंक्शनल एरियाज जितने भी हैं किसी भी कंपनी में किसी भी एंटरप्राइज में उन सभी में फाइनेंस या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल होता है टू तो वेंट टू मग अप तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर फाइनेंस का डिपार्टमेंट इज़ वर्किंग विथ कोऑर्डिनेशन एंड इंटर रिलेशन टू इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स साइंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट एज वेल एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मार्केटिंग ह्यूमन रिसोर्स एच आर एंड एवरीथिंग ठीक है तो फंक्शनल एरिया उसके सारे ही हो गए फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें सारे ही डिपार्टमेंट्स में करना पड़ता है देख रेख करनी पड़ती है सब सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ठीक है क्योंकि इंप्लॉयज़ भी हमारे हैं प्रोडक्शन भी हमारा है हमें वहाँ भी देखना है यहाँ भी देखना है उनका भी फाइनेंस इनका भी हर चीज़ का फाइनेंस हमें कंट्रोल करना है अच्छे रेगुलर फ्लो को बरकरार रखना है ठीक है वेन टू टॉक अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट देर आर एंडलेस सिग्निफिकेंस अभी तुम्हारा काम है कि तुम ढूंढोगे क्या है और नहीं मिलती तो देर इज नो वरी बट हाँ कुछ काम देना तो मेरा भी फर्ज बनता है ना टीचर हूँ बिना होमवर्क दिए थोड़ी तो छोड़ दूंगी <laughs> क्या है अब हट फ्रॉम ऑल दिस सिग्निफिकेंस प्रॉपर नोट्स में बताए हुए हैं मैंने देर इज नो वरी अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया नोट्स में सब कुछ मैंने लिखा हुआ है बट हाँ कुछ तो खुद से अगर लगाओ इतना मैंने पूरा टॉपिक समझाया तुम सिग्निफिकेंस तो निकाल ही लो कि इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक आधी तो निकाल ही सकते हो ठीक है कॉमेंट में पेन जरूर कर देना देन नेक्स्ट वी हैव इज फाइनेंस मैनेजर देखो सब कुछ हो गया अब सब कुछ संभालने वाला कौन फाइनेंस मैनेजर दी ओनली सोल पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग ऑल दी फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ अ कंपनी इज नोन एज फाइनेंस मैनेजर जिसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग की बहुत एफिशिएंट टैलेंट होनी चाहिए ठीक है एंड इसके कुछ सिंपल सिंपल रोल्स हैं लाइक कैपिटल बजटिंग का डिसीजन इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग का डिसीजन कैपिटल रिक्वायरमेंट को इस्टिमेट करना कैपिटल प्रोवाइड कराना सोर्सेज ऑफ सप्लाई प्रोवाइड कराना रिस्क मैनेजमेंट विच इज़ देखो बिजनेस में हम रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते हैं बट फाइनेंस मैनेजर का काम क्या होता है कि वो रिस्क को इस्टीमेट uh, करें आइडेंटिफाई करें और उसको कम से कम कम से कम लॉस हो इस तरीके से मैनेज करें तो दैट इज ऑल वॉट रिस्क मैनेजमेंट इज ठीक है सो दैट्स इट फॉर द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब लाइक द वीडियो एंड हिट द बेल आइकन थैंक यू एंड टेक केयर